कास्ट सेंसस होगा जिसके अकॉर्डिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये स्कीम्स फंड करने के लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा। जितने भी रूरल गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिलेगी, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी मेहनत से डिसाइड नहीं होगा, आप किस कम्युनिटी में बॉर्न हुए उससे डिसाइड होगा। तो राजीव गांधी ने विक्टिम को जस्टिस देने की जगह उसके ऑफेंडर की साइड ली। भाजपा ने इजरायलीज को अडानी का नाम सजेस्ट कर दिया, तो इजरायलीज ने बिना अडानी की लेजिटिमेसी और कॉम्पिटेंसी चेक करे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राहुल गांधी चाइना को इतना क्यों बचा रहे हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर भारत को तोड़ने से रिलेटेड हर एक्टिविटी क्रिमिनलाइज्ड है, उसको खत्म करने का वादा किया। आपने रीसेंट टाइम में मोदी जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि वो डिक्टेटर है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ तक कि वो इंडिया के आइडिया के अगेंस्ट है। अगर मोदी जी इतने खराब हैं तो हम अपने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के ऑप्शन को देखते हैं। आज हम राहुल गांधी को एनालाइज करते हैं। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या चेंजेस आएंगे? इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में इस साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था, वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। बीजेपी के एक पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता से मिला, बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आप पूर्ण जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पूर्ण जन्म में बिलीव करते हो? कहता मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, अगर आप पूर्ण जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया, कहता बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। हम मीम्स की जगह एक्चुअल पॉलिसीज पर फोकस करेंगे। ये 2004 से 2014 के बीच की ट्रू स्टोरी और 2024 के कांग्रेस मैनिफेस्टो के बेसिस पर है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जिसमें वो लोगों से मिले। मुझे डाउट है कि वो किन लोगों से मिले, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से या फिर देश की आम जनता से? मुझे ये डाउट इसलिए है क्योंकि इतना घूमने के बाद राहुल गांधी ने ये तीन वादे किए, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन और फ्री पीस। क्या आपको लगता है देश की जनता ये सब चाहती है? क्या आप ये सब चाहते हो? आपका आंसर जो भी हो, राहुल गांधी ने इन सब चीजों को पूरे करने के वादे किए हैं। कास्ट सेंसस होगा जिसके अकॉर्डिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अगर मेरी कास्ट गरीब है और आपकी कास्ट अमीर है तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, चाहे मैं एज अ पर्सन आपसे ज्यादा वेल ऑफ हूँ। ऐसी पॉलिसीज में बायस होता है कि अपर कास्ट इंसान गरीब नहीं हो सकता और लोअर कास्ट इंसान मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकता, पर ये 2020s है ना कि 1940s। आज इंसान की वैल्यू कास्ट से नहीं होती, उसके अचीवमेंट से होती है। कास्ट बेस्ड डेवलपमेंट की जगह हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे सबका फायदा हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसे सब लोग यूज कर पाए, इंश्योरेंस स्कीम्स निकालना जिसे सब लोग अफोर्ड कर पाए, सबके लिए एजुकेशन फ्री करना, सबको मिनिमम फूड की गारंटी देना। ये सब कास्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं होना चाहिए, ये इंडिया के हर सिटीजन को अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप कास्ट बेस्ड डेवलपमेंट में बिलीव करते हो तो आपके लिए राहुल गांधी ओनली होप है। राहुल गांधी के पार में आते ही हर गरीब घर की वुमेन को 1,00,000 पर एनम मिलेगा, कॉलेज लोन्स माफ हो जाएंगे, कॉलेज खत्म करने के बाद अप्रेंटिसशिप मिलेगा जिसमें 1,00,000 पर एनम कमाओगे। अभी नेशनल मिनिमम वेज 178 रुपीज है, राहुल गांधी ने इसको बढ़ा के 400 रुपीज करने का वादा किया है। जैसे MGNREGA रूरल एरियाज के लिए होता है, वैसे ही अर्बन एरिया के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाया जाएगा, इसमें अर्बन पुअर को गारंटीड काम मिलेगा। ऑफ कोर्स सरकार विल फुट द बिल। इन सब तरीकों से राहुल गांधी देश में गरीबी खत्म कर देंगे, वो भी बिना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंड्यूस करे। ये सब करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, पर राहुल गांधी के टॉप एडवाइजर सैम पिट्रोडा ने 2019 में ये कहा था। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children.
55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. When we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. Viewers are voicing the concern that it looks like if the Congress comes to power, the burden of all these schemes will come on us, the middle class. We'll be the ones who'll have to pay more taxes. What would you say to the middle class who's actually getting worried about this? Middle class will have more opportunities. Middle class will get more jobs. Today there are no jobs. But taxes will not go up on them? Taxes may go up a little bit, but I don't think that's a major issue. Let's not worry about that. Don't be selfish. Okay? Have a big heart. How can you see poor people around you and feel that somebody is going to take a 10 paisa out of you? That's not India. This is what you would say to the people of India, the middle class. Absolutely. That if you and I have to tighten our belt a little bit, we should. There is nothing wrong with it. They are our cousins. They are our brothers. They are our sisters. They are our nephews. Sam Pitroda ne kaha ki ye schemes fund karne ke liye tax badhaya jayega. Middle income families ise pasand nahi karegi. To next best option, loan diya jayega. पहली बात, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लोन के पैसे से नहीं चलाना चाहिए और दूसरी बात, लोन कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा, तब राहुल जी कहां से पैसा लाएंगे? टैक्स से. तो चाहे टैक्स अभी बढ़े या बाद में, बढ़ना तो है ही. क्या राहुल गांधी ने पैसे देने की जगह किसी और तरीके से गरीबों का फायदा करने का सोचा? ऑफकोर्स राइट टू होमस्टेड एक्ट पास किया जाएगा. इसमें पैसे देने की जगह गरीबों को लैंड दी जाएगी. जितने भी रूरल गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिलेगी. पर इतनी जमीन आएगी कहां से? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूथ के लिए क्या करेंगे? रिजर्वेशन. अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को 50% तक कैप करके रखा हुआ है. राहुल गांधी ने इस 50% लिमिट को बढ़ाने का वादा किया है. गवर्नमेंट जॉब्स में 50% रिजर्वेशन विमेन के लिए होगा. ये सब सुन के यूथ के माइंड में एक ही चीज आएगी कि राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपने कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करनी है. ऐसी पॉलिसीज के वजह से यूथ डेवलप होने की जगह बैकवर्ड होना प्रेफर करती है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी मेहनत से डिसाइड नहीं होगा, आप किस कम्युनिटी में बॉर्न हुए उससे डिसाइड होगा. जो लोग मेरिट में बिलीव करते हैं उनके पास बस दो ही ऑप्शन बचेंगे कि नौकरी की खोज में अपना देश छोड़ दो या फिर 5 साल बाद जब फिर से इलेक्शन आएंगे तो किसी और को आजमाओ. राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद माइनॉरिटीज के लिए क्या करेंगे? मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज के कंसेंट के बाद उनके पर्सनल लॉज को रिफॉर्म किया जाएगा. पर्सनल लॉज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इन सब चीजों से डील करती है. जो राहुल गांधी ने करने का वादा किया है वैसा ही कुछ राजीव गांधी ने भी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवोर्स के बाद मुस्लिम वुमेन को उसके एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलेगा, पर मुस्लिम मेजॉरिटी इससे कन्विंस नहीं थी. तो राजीव गांधी ने विक्टिम को जस्टिस देने की जगह उसके ऑफेंडर की साइड ली और एक लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नेगेट कर दिया. मुस्लिम मेजॉरिटी ना तब मेंटेनेंस के फेवर में थी ना आज है. मुस्लिम मेजॉरिटी ना आज यूसीसी के फेवर में है ना कल होगी. जब सती सिस्टम को खत्म किया गया तो क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू सती के अगेंस्ट हो गए थे? जब डाउरी सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया तो क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू डाउरी के अगेंस्ट हो गए थे? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो गलत है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी इसके फेवर में हो या ना हो. इसके बाद राहुल जी करेंगे अडानी पर कार्यवाही. राहुल गांधी को अडानी से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अडानी मोदी नेक्सस है, जिसके वजह से अडानी इतने जल्दी ग्रो कर गए कि भाजपा ने अडानी की हेल्प की इसलिए वो बाहर के देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाए. अगर इन सब में कुछ भी सच होता तो राहुल गांधी ये कैमरा के सामने नहीं कह रहे होते, सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने कह रहे होते. पर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाजपा ने अडानी की हेल्प करी, तो क्या दूसरे कंट्रीज अपने प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प नहीं करते? 2012 में यूएस की बेयर कंपनी अपने नेक्सावर ड्रग को इंडिया में 2 लाख के बेच रहे थे, पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो भारत सरकार ने कंपल्सरी लाइसेंस के अंडर इस दवाई को 8,800 रुपये में बेचने की परमिशन दी. ये सब ट्रिप्स के अंडर लीगल है, पर क्योंकि अमेरिकन कंपनी इससे इम्पैक्ट हुई तो अमेरिकन गवर्नमेंट के लोगों को मोबिलाइज किया गया ताकि वो इस लाइसेंस को कैंसिल करवा पाए. क्या इसमें सरकार ने अपने प्राइवेट प्लेयर की मदद नहीं की? कुछ देशों की सरकार मार्केट में ऑयल सप्लाई को कम कर देते हैं जिसके वजह से प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट करते हैं. क्या इसमें सरकार प्राइवेट प्लेयर्स की साइड नहीं ले रही?
चाइनीज गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स को सब्सिडी दे रही है जिससे उनकी कार्स दूसरे देशों की कार से ज्यादा चीप हो और वो मार्केट कैप्चर कर पाए। क्या इसमें देश की सरकार प्राइवेट प्लेयर की हेल्प नहीं कर रही? तो अगर भाजपा गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को देश के बाहर सपोर्ट कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज भाजपा ने इसराइलीज को अडानी का नाम सजेस्ट कर दिया तो इसराइलीज ने बिना अडानी की लेजिटिमेसी और कॉम्पिटेंसी चेक करे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे हरियाणा के हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को रियल एस्टेट डेवलप करने के नाम पे इतनी जमीन दी थी। हमारे देश की बहुत कम कंपनीज मल्टीनेशनल लेवल पर है। अगर हमें जल्दी डेवलप करना है तो और कंपनीज को मल्टीनेशनल लेवल पर आना होगा। इसमें सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अगर वो मल्टीनेशनल लेवल पर आए तो हमारे ही तो देश में ज्यादा नौकरी आएंगी। बाहर से पैसा हमारे देश में ही तो आएगा, टैक्स का पैसा सरकार को ही तो जाएगा। इस टैक्स के पैसे से सरकार हमारे लिए ही तो सोशल प्रोग्राम्स रन करेंगी। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अगर तो अडानी की ग्रोथ से उनकी गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, तो राहुल गांधी अडानी के ऊपर केस करके उनके इंटरनेशनल बिजनेस को डैमेज क्यों करेंगे? इसका आंसर चाइना है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की प्रेजेंस दूसरे कंट्रीज में बढ़े। अडानी श्रीलंका और बांग्लादेश में पोर्ट बना रहे हैं जिससे वो चाइना की पार को टक्कर दे रहे हैं। राहुल गांधी चाइना को इतना क्यों बचा रहे हैं? इसका आंसर तो 2008 में कांग्रेस पार्टी और चाइना के बीच साइन डील में मिलेगा। ये कांग्रेस ने कभी पब्लिक नहीं किया। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू इस डील की डिटेल्स मांगी गई तो मना कर दिया गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर नहीं आती। ये लॉ 2005 में बना था। 2020 में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि वो खुद सरप्राइज थे कि डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर साइन होती है, ये डील पॉलिटिकल पार्टी टू गवर्नमेंट लेवल पर साइन कैसे हुई? पर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस हाई कोर्ट ले जाने के लिए कहा। अभी इस केस में कुछ नई डेवलपमेंट नहीं हुई। राहुल गांधी का प्रो चाइना एटीट्यूड सिर्फ इस सीक्रेट डील से ही नहीं पर उनकी डेंजरस लेफ्ट आइडियोलॉजी से भी दिखाई देता है। ये उनके एडवाइजरी कमेटी की वजह से हुआ है जिसके अंदर सीताराम येचुरी की एंट्री हुई है। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सीताराम येचुरी के नाम पर मत जाना, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर है। CPIM भारत के कल्चर में बिलीव नहीं करती, वो भारत को चाइना के कल्चर के अंडर लाने में बिलीव करती है। CPIM के मैनिफेस्टो ने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने का वादा किया, डेथ पेनल्टी जो टेररिस्ट को दी जाती है उसे खत्म करने का वादा किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो देश में इलीगल पैसे को एंटर होने से रोकता है वो चेंज करने का वादा किया, पाकिस्तान के साथ पहले जैसे रिलेशंस, आर्टिकल 370 वापस लाना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसके अंदर भारत को तोड़ने से रिलेटेड हर एक्टिविटी क्रिमिनलाइज्ड है उसको खत्म करने का वादा किया। CPIM के एक लीडर थे चारू मजूमदार, उन्होंने नक्सलिज्म यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शुरू किया जिसे आज भी हमारे CRPF खत्म करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन ने कहा था कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। बीजेपी मैनिफेस्टो में रेगुलरली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात होती है, पर राहुल गांधी ऐसे आइडियोलॉजी के फेवर में होते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर कल चाइना लद्दाख लेना चाहेगा तो राहुल गांधी ये कह के जस्टिफाई कर देंगे कि वैसे भी वहां कुछ नहीं है तो देने में कुछ नहीं जाएगा, या फिर ये कहेंगे कि लद्दाख के एक्सचेंज में चाइना हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब आपको राहुल जी सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी लग रहे हैं? हमें कैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो भारत को सबसे ऊपर रखे, जो चाइना के साथ सीक्रेट डील्स ना करे, जो कश्मीर में स्टेबिलिटी लाए, जो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जो कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, रिजर्वेशन के नाम पर देश को बांटने की जगह नेशनल प्राइड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश को यूनाइट करे, जो दूसरे देशों में जाके ये ना कहे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी डेंजर में है, आप इंटरवीन करो, पर वो जो बाहर जाते हैं तो देश में और इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, जिन्हें बाहर के लीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं, जो गरीबों को फ्रीबीज के वादे करके झूठे सपने नहीं दिखाते पर पैसे कमाने का रास्ता दिखाते हैं ताकि वो अपने सपने खुद सच कर पाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को पूरा करे, ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विक्टिम्स पर और क्राइम्स होने दे। तो क्या पप्पू पास होने की कैपेबिलिटी रखते हैं? जय भारत।